नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैम आज आपको नया व्यंजन सिखाएंगी। ये है व्यंजन झ। झ के बाद आता है ञ खाली, और ञ खाली पर हमारी दूसरी रो व्यंजन की खत्म हो जाती है। झ के बाद आता है ञ। आपको पता है ञ क्या होता है? नहीं पता? ञ जो है हम बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। ये शब्दों के बीच में इस्तेमाल होता है, इसीलिए अभी हम आपको ये नहीं कराएंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप इसको सीखेंगे। इस कक्षा में आप सिर्फ और सिर्फ इसको लिखना सीखोगे और इसको कैसे बोलते हैं ञ। और आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन झ, और झ से संबंधित ये कहानी है। तो आओ देखते हैं, बढ़ते हैं इनके शब्दों की तरफ। ये है झ झूला, और झूला झूल रहा है ये बच्चा, इसका नाम है झब्बन। और झूले के पास यहाँ पड़ा है झाड़ू, यहाँ है झरना, वाटरफॉल को हम हिंदी में कहते हैं झरना। ये दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, और इन दोनों व्यक्तियों का नाम क्या है? ये है झगड़ू और ये है झटपट लाल। झगड़ू और झटपट लाल लड़ रहे हैं। ये हमारे देश का तिरंगा झंडा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? झगड़ा। तो आओ एक बार फिर से देखते हैं। झब्बन झूला झूल रहा था, झूले के पास पड़ा था एक झाड़ू, और झूले के ही पास से बह रहा था एक झरना। दूर झंडे के पास झूला झूलते हुए झब्बन ने देखा कि झंडे के पास झगड़ू और झटपट लाल झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करना तो अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए झब्बन हैरान रह गया कि ये दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो अब फिर से देखेंगे इन सभी शब्दों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। झ झब्बन, झ झूला, झ झरना, झ झाड़ू, झ झगड़ा, झ झगड़ू, झ झटपट लाल, झ झंडा। तो बच्चों, मिलेंगे अगले व्यंजन के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।